हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो भारत का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है दोस्तों UAE और ओमान में, उसके लिए भारतीय स्क्वाड पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और खुशखबरी ये है दोस्तों कि KL राहुल और ऋषभ पंत जैसे नए और दिग्गज खिलाड़ियों को भी मौका मिला है, जो कि पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इस बार आप सभी को नजर आने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे खिलाड़ी बताने वाला हूं जो कि इस साल आप सभी को फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आने वाले हैं। और ना सिर्फ ये खिलाड़ी खेलेंगे बल्कि ये खिलाड़ी आप सभी को धूम मचाते हुए भी नजर आने वाले हैं। इसलिए आप सभी हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखिएगा। दोस्तों ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए बुधवार यानी 8 सितंबर को टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ ये भी सामने आ चुका है कि किन किन खिलाड़ियों को पहली बार T20 विश्व कप टीम में चुना गया है। 5 साल के बाद होने जा रहे ICC के इस मेगा इवेंट के लिए BCCI ने ऐसे 7 खिलाड़ियों को 15 सदस्यीय टीम में जगह दी है, जो कि पहली बार T20 विश्व कप खेलने के लिए उतरेंगे। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं ने T20 विश्व कप के लिए चुनी गई टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिससे टीम संतुलित नजर आ रही है। लेकिन फिर भी 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको T20 विश्व कप खेलने का अनुभव है और 7 खिलाड़ी इस टीम में ऐसे हैं जो पहली बार देश के लिए T20 विश्व कप में नीली जर्सी में नजर आने वाले हैं। इन खिलाड़ियों में KL राहुल और ऋषभ पंत जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का नाम भी शामिल है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले हैं KL राहुल। दाएं हाथ के बल्लेबाज KL राहुल ने साल 2016 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और इसके बाद से अब तक उन्होंने 49 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें 39 से ज्यादा के औसत से 2 शतक और 12 अर्धशतक के साथ कुल 1557 रन वो अब तक बना चुके हैं। दोस्तों सेकंड नंबर पर हैं ऋषभ पंत। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने साल 2017 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था और इसके बाद से अब तक उन्होंने 21 से ज्यादा के औसत से 2 अर्धशतक के साथ कुल 512 रन बनाए हैं। उम्मीद करते हैं ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप में मैच के हीरो रहेंगे। इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव हैं। जी हाँ, दमदार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी पहली बार T20 विश्व कप खेलेंगे। यहाँ तक कि जब आखिरी बार T20 विश्व कप खेला गया तो इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद ही कोई इनको जानता भी होगा। इसी साल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव 4 मैचों में 2 अर्धशतक जमा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अक्षर पाटिल का नंबर है। जी हाँ, T20 विश्व कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में अक्षर पाटिल एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 विश्व कप 2016 से पहले डेब्यू किया था और वो 2015 से अब तक कुल 12 T20 इंटरनेशनल मैच खेल पाए हैं, जिनमें उनके नाम 12 विकेट दर्ज है। साथ ही वरुण चक्रवर्ती को भी मौका मिला है। मिस्ट्री स्पिनर कहे जा रहे वरुण चक्रवर्ती ने इसी साल T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए डेब्यू किया था। हालांकि पिछले साल भी उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका था, लेकिन फिटनेस के कारण उनको बाहर होना पड़ा। वो अब तक 3 मैचों में 2 विकेट चटका पाए हैं। इसके बाद दोस्तों बिहार के लड़के ईशान किशन को भी मौका मिल चुका है। जी हाँ, बैकअप विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन को टीम में जगह मिली है। उनको अभी तक सिर्फ 2 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने का अनुभव है। उन्होंने इसी साल भारत के लिए डेब्यू किया था और फिर चोटिल भी हो गए थे। साथ ही राहुल चहर जो कि बेहद ही शानदार स्पिनर हैं, उनको भी मौका मिला है। दोस्तों T20 विश्व कप 2021 के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में 5 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेल चुके स्पिनर राहुल चहर को भी मौका मिला है, जिन्होंने 7 विकेट इस प्रारूप में चटकाए हैं। वो वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं। तो राहुल चहर का भी दोस्तों शानदार करियर रहने वाला है। इन 7 खिलाड़ियों को पहली बार T20 विश्व कप में मौका मिला है, जिसमें हम सभी की नजरें KL राहुल, ऋषभ पंत और ईशान किशन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों पर, साथ ही सूर्य कुमार यादव पर होंगी। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।